बुराई पे अच्छाई को विजयी तो होना ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक शानदार फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करने के लिए। दोस्तों, दसवीं नाम की फिल्म का ट्रेलर आया है और यह फिल्म 19 जनवरी को सिनेमाघरों में देखी जाएगी। इसके डायरेक्टर हैं शांतनु अनंत तांबे, वर्धन पुरी और आदिल खान इसके अंदर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे और बहुत सारे कलाकार भी इसमें दिखेंगे। और दसवीं का जो ट्रेलर आया है ये ऐसे वक्त पे आया है कि यहाँ इस वक्त भारत पूरे भारतवर्ष में राम नाम का चर्चा हो रहा है और राम नाम के धुन में हर कोई रमा हुआ है। और इसी बीच जो ये ट्रेलर आया है जो काफी चर्चे का विषय है, ट्रेलर के अंदर शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग किडनैप किए गए हैं और वो अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने बलात्कार किया है और नाबालिग लड़कियों का शोषण किया है, उन्हें किसी ने अपहरण किया है या उनका किडनैप किया है या वो अपने मन से बोल रहे हैं, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन पुलिस तहकीकात कर रही है कि ये जो बोल रहे हैं ये कहां से बोल रहे हैं और इन्हें किसने बोलने पे मजबूर किया है, उसकी तहकीकात करते हुए पुलिस दिखाई दे रही है ट्रेलर के अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर रामलीला देखते हैं, दशहरे का दृश्य देखते हैं, रावण दहन देखते हैं, बहुत कुछ घटनाएं इसके अंदर हम देख रहे हैं। और एंडिंग के अंदर चार लोग हैं जिसमें से एक लड़की है, तीन लड़के हैं और ये किसी को जला के आगे जा रहे हैं। पूरी फिल्म जो बताने की कोशिश हो रही है कि ये फिल्म जो है बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने की कोशिश हो रही है। इसके अंदर एक अलग तरह का राम राज्य दिखाने की कोशिश हो रही है। हमने तो भगवान राम और माता सीता की बहुत सारी कहानियां अलग अलग तरीके से देखी है, धारावाहिक के रूप में देखी है, फिल्म भी बनी है, लेकिन यह फिल्म कुछ अलग तरीके की मुझे दिखाई दे रही है। इसमें कुछ अलग तरीके से राम राज्य स्थापित होने की बात बताई जा रही है। मुझे यह ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और इसे मैं सिनेमाघरों में जाके जरूर देखूंगा। आप भी इस ट्रेलर को देखिए और आपको यह ट्रेलर कैसा लगता है जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। पूरा ट्रेलर बहुत ही रोमांचक है और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि इस फिल्म में किस तरह का राम राज्य दिखाने की कोशिश हो रही है।